इंसान ने भूतों को अपना गुलाम बना लिया है। गुलामी से चिड़के तो गधे भी लात मार देते हैं, तो सताया हुआ खुखार भूत अपने सताने वाले को क्या ऐसे सुक्का जाने देगा। मैंने आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन आज के किस्से में ना सभी ने अपनी हद पार कर दी। अब आप ही बताइए कि कोई सरहद पार खड़ा हो और जंग न छिड़े, ऐसा हो सकता है क्या? कोई अगर ठोकर खाकर गिर जाए तो उसे उठाना आसान होता है, लेकिन नजरों से गिरे हुए को उठाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही घिनौने किरदारों के गुच्छे को आप आज के किस्से में एक से बढ़कर एक घटिया हरकत करते हुए पाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये कानपुर का किस्सा है। ये जो किस्सा है ना, 2 साल पुराना किस्सा है। कानपुर में एक फैमिली रहती है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ है और इनका 35 ईयर मतलब 35 साल का एक बेटा है। जो लड़का है ना, उसने अभी तक शादी नहीं की है। इस लड़के का नाम ना रितेश है। रितेश बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत उसको अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर के रिश्ते आते हैं, लेकिन रितेश शादी नहीं करता है। अब इतना मतलब शादी के लायक उसकी उम्र हो गई है, तो आसपास के जो भी लोग रहते हैं, रिश्तेदार है, सब लोग सोचते हैं कि ये शादी क्यों नहीं कर रहा है। लोग तरह तरह की बातें करने लग गए हैं। तो अभी क्या होता है, रितेश की जो मम्मी है ना, वो रितेश के लिए एक गाँव की लड़की से शादी कर देती है। उस लड़की का नाम दिव्या है। दिव्या की उम्र 20 साल की है। दिव्या की जो फैमिली है ना, बहुत गरीब परिवार से है दिव्या। दिव्या की उम्र 20 साल है और लड़के की उम्र 35 ईयर की है। लेकिन ये जो जोड़ी है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जोड़ी है। सब लोग बोलते हैं कि एकदम परफेक्ट जोड़ी है, ऊपर वाले ने एक दूसरे के लिए ही इनको बनाया है। सब लोग इस जोड़ी को देखकर ना बहुत ही खुश होते हैं। अब शादी की पहली रात होती है, तो फर्स्ट नाइट में ही ना रितेश दिव्या को बोलता है कि देख, मैं तुझे हर खुशी दूंगा, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन ना मैं पति का फर्ज नहीं अदा कर पाऊंगा, मैं तुझे पति का सुख नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं आरिफ से प्यार करता हूँ। आरिफ ही मेरा प्यार है, मैं उसी से प्यार करूंगा और किसी से मैं वो प्यार तेरे साथ बांट नहीं पाऊंगा। तो ये सुनकर ना अब दिव्या की आंखों में आंसू टप 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 टपकने लग जाते हैं। वो सोचती है कि ये क्या हो गया, उसके पैरों के तले तो ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बंगला, लेकिन उससे 4 गुना बड़ा, मतलब 4 गुना तो मैं एक बोलने की बात है, 100 गुना बड़ा बोलती है, मेरे से झूठ बोला गया इस परिवार ने, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। अभी रितेश जो होता है वो तो ये बात करके अपना चुपचाप पलटी मार के सो जाता है। दिव्या पूरी रात रोती रहती है, जोर जोर से रो रही है। उसको कोई पड़ी ही नहीं है कि दिव्या रो रही है। अब सुबह होती है, रितेश अपना तैयार व्यार होता है और काम के लिए निकल जाता है। तो जो दिव्या का अभी रूम है ना, वो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो दिव्या की सास आती है, दिव्या को बोलती है, बेटा इतने जोर जोर से मत रोया कर, अगर तेरा रोना पड़ोसियों ने सुन लिया तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। अच्छा, नाश्ता करेगी तू? जो बोल वही तेरे लिए बनाया जाएगा। हाँ, बस तू एक बार हाँ बोल कि मुझे ये खाना है मम्मी जी। मैं अपना ना रामू को बोल दूंगी, रामू जो है उनका काम वाला है, तो मैं रामू को बोल दूंगी जो तेरा मन करते है ना बेटा, तू वो खा। हाँ, बस रोया ना कर, जोर जोर से मत रोया कर। ये बोलकर ना अब उसकी सास नीचे आ जाती है। दिव्या अभी उसको पता चल जाता है कि पूरे परिवार को ये सब बातें पता है, मतलब उसके अफेयर के बारे में पता है, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तो वो किसी के साथ ये ना बात शेयर ही नहीं करती है, यहाँ तक कि वो अपनी मम्मी के साथ भी ये बात शेयर नहीं करती है। वो अपने मन में घुटती रहती है, बस चुपचाप रहती है, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती है। बहुत बार वो अकेली चुपचाप एक रूम में जाकर रोती रहती है, कई बार बाथरूम में भी वो जाकर रोती रहती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती है। 6 महीने के बाद ना एक दिन दिव्या की मम्मी आती है। दिव्या की मम्मी जब दिव्या को देखती है ना, वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरी बेटी यहाँ पर खुश नहीं लग रही है। उसकी जो आंखें एकदम अंदर चली गई हैं, काले काले आंखों के नीचे धब्बे आ गए हैं, मेरी बेटी तो पहले से भी ज्यादा सूख गई है। तो वो ना दिव्या को अकेले ही एक रूम मैं पूछती है, बेटा क्या बात है, कोई बात है क्या, हाँ तू मेरे को बता। तो बोलती है, नहीं मम्मी कोई बात नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती है, मैंने तुझे जन्म दिया, तुझे बड़ा किया, मेरे से कोई बात मत छुपा, जरूर कोई बात है, तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है। वो बोलती है कि मुझे शादी के 6 महीने हो गए हैं, मेरे पति ने मुझे एक बार हाथ तक नहीं लगाया है, आपको पता है मेरा पति गे है। तो उसकी मम्मी पूछती है, बेटा ये गे क्या होता है। तो बोलती है कि मेरे पति का अफेयर ना एक आदमी के साथ है जिसका नाम आरिफ है, वो उसी से बहुत प्यार करता है। तो उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा मैंने तो ऐसा सुना है कि ऐसे लोगों के डॉक्टरी इलाज भी होते हैं। तो बोलती है, वो शारीरिक बीमार नहीं है, वो ना मेंटली बीमार है, मेंटली बीमार, उसको इसका कोई असर नहीं होने वाला।
इस परिवार के लोगों ने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बस उसी बंदे के पीछे ये पागल है। तो अभी दिव्या की मम्मी बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं है, डॉक्टरी इलाज नहीं है तो दूसरा इलाज तो है ना। तो बोलती, दूसरा इलाज? कौन सा दूसरा इलाज? अपने गांव का जो बाबा है ना, बाकेश्वरी बाबा जी, वो देख इसका कैसे झट से इलाज कर देंगे। हर चीज़ का तोड़ होता है बेटा, तो फिक्र ना कर, तो ऐसा कर मेरे साथ ना गांव चल। तो बोलती ठीक है, मैं ना अपनी सास से बात कर आती हूँ, उनको बोलती हूँ कि मैं मेरी मम्मी के साथ जा रही हूँ। तो बोलती है ठीक है, जा अपनी सास से बात करके आ जा। अब वो नीचे आती है, अपनी सास को बोलती है, मम्मी जी मैं ना अपनी मम्मी के साथ गांव जा रही हूँ कुछ दिन के लिए। तो उसकी सास ना उसका ज़ोर से हाथ टाइट पकड़ के बोलती है, बेटा ठीक है तुझे जाना है तो जा, लेकिन हाँ घर की इज्जत घर में ही रहनी चाहिए, हाँ जा जा बेटा, खुश रह खुश रह। पूरा उसका हाथ एकदम लाल हो जाता है। वो बोलती है ठीक है मम्मी जी मैं जा रही हूँ, आपकी बात समझ गई हूँ। अब दिव्या की जो मम्मी होती है ना, फोन पर ही उस बाबा से अपना टाइम ले लेती है। ये लोग शाम के वक्त घर पर पहुँचते हैं, उसके बाद रात को ना 11 बजे उस बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा इनकी पूरी बात सुनता है। वो बाबा बोलता है, देखो इस चीज़ का इलाज सीधे से नहीं हो सकता, टेढ़े से होगा। तो दिव्या की मम्मी बोलती है, टेढ़े से होगा मतलब? बोले देख, मैंने ना एक आत्मा को कैद किया हुआ है, वो आत्मा इसके पति के शरीर में जाएगी, फिर इसका पति इसके साथ संबंध बनाएगा। ऐसा करना है तो बोलो, 1 घंटे की पूजा लगेगी। तो दिव्या बोलती है ठीक है मुझे चलेगा। तो उसकी मम्मी बोलती, हाँ भूत के साथ तू? बोले हाँ मम्मी, मैं यहाँ पर आई थी ना, मैं मेंटली प्रिपेयर होके ही आई थी, मुझे पता था कि काला जादू में कुछ तो होगा ही होगा ना, हम लोग ऐसे थोड़ा ये आराम से चीज़ें हो सकती है, तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। अब अभी वो बाबा बोलता है ठीक है हम लोग पूजा करते हैं। तो 1 घंटे की पूजा के बाद ना वो बाबा इसको एक इलायची देता है, दिव्या को मतलब एक इलायची देता है। बोलता है जा ये इलायची ना अपने पति को खिला दे, खाने की कोई भी चीज़ में मिक्स करके खिलाएगी ना तेरा काम हो जाएगा, तो खुश रहेगी। तो दिव्या बोलती है ठीक है। अब 2 दिन के बाद ना दिव्या घर पर जाती है, दोपहर का टाइम है, उसका पति घर पर ही होता है। तो दिव्या अभी अपने रूम में है, तो दिव्या क्या करती है, अब एक पेड़े में ना इलायची मिक्स कर लेती है और बहुत ही प्यार से अपने पति को खिलाती है। उसका पति तो इलायची खा लेता है। अभी इतने में क्या होता है, उसके ना दरवाज़ा, अभी दिव्या के रूम का दरवाज़ा नॉक होता है, मतलब खटखटाती है। तो दिव्या बोलती कौन है? तो बोलती बेटा तेरी मम्मी हूँ, दरवाज़ा खोल। तो वो दिव्या दरवाज़ा खोलती है, तो 3-4 सीढ़ी से ना अभी जो दिव्या की सास है ना, दिव्या का हाथ पकड़ कर नीचे लेकर आती है और बोलती है, जिस काम के लिए तू गई थी वो काम तो हो जाएगा ना, जिस काम के लिए तू गई थी वो काम तो हो जाएगा ना। वो बोलती है, मम्मी जी आप क्या बोल रहे हो मैं समझी नहीं। बोले इतनी भी बोली मत बन, मैंने ना तुमको तुम्हारी मम्मी को सब बातें करते हुए सुन लिया था, मेरे कान ना तुम लोगों की ओर ही लगे हुए थे, मैंने पूरी बात सुन ली थी, तू क्या करने गई थी, कौन से बाबा के पास गई थी। तो बोले हाँ मम्मी जी कोशिश तो है। तो बोलती ठीक है मेरे को पक्का बताना, हाँ पहले मेरे को ही बोलना। तो बोलती हाँ मम्मी जी जरूर बोलूँगी। अब वो रूम में जाती है, अपना रूम बंद करती है और बहुत ही प्यारे से अजीब से तरीके से ना ऐसे दरवाजे के पास हाथ रख कर खड़ी है। तो अब जो रितेश होता है ना, वो दिव्या की ओर आता है, दिव्या की ओर जैसे ही आ रहा है ना, तो धीरे धीरे ना उसकी आँखें पूरी लाल हो जाती हैं। वो दिव्या के पास आता है, उसकी गर्दन यहाँ से पकड़ता है, ऐसे घुमाता है, थन देने दिव्या के मुंह पर एक चपेड़ मारता है। वो दिव्या अभी हवा में उड़ के ना दूर उछल के गिरती है। जैसे वो गिरी ना, उसका कान ऐसे हाथ रखा हुआ, उसने अपने कान पर बोलती है, मुझे क्यों मारा। तो उसका पति गुस्से में उसको घूर के देखता है। अब रितेश नीचे सीढ़ियों पर जा रहा है। अब धन देने अभी गिरने की आवाज़ आई ना, तो दिव्या की सास फटाफट सीढ़ियों के ऊपर आ ही रही होती है। वो पूछती है क्या हुआ क्या हुआ। अब रितेश क्या करता है, अपनी माँ को ना थाड़ देने ऐसे नीचे गिरा देता है। तो ऐसे जैसे वो गिरती है ना, उसके सर पर पीछे चोट लगती है और खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो पूरा लोट पोट होकर सीढ़ियों से गिरती है, फिर से उसके सर में से खून निकलना स्टार्ट हो गया। अब जो रितेश का फादर है ना, वो फटाफट आता है और रितेश की मम्मी के पास है। वो पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। वो ऐसा करके दिखाती है, बोलती कुछ नहीं है कि मेरे हाथ मेरे सर में से खून निकला है। तो वो ऐसा सिर्फ इशारा करती है। अब जो रितेश का बाप है ना, बहुत बहुत डरा हुआ है वो। अब रितेश धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आता है। तो रितेश का बाप ना, अभी रितेश को देखकर ना ऐसे ऐसे देखकर
ऐसे कर लेता है, मतलब मैंने रितेश को देखा ही नहीं है। रितेश चुपचाप अभी 3-4 कदम आगे गया होता है, पलटी मारता है और अपने फादर को भी ना ताड़ देने की चपेड़ मारता है, वो भी उड़ के बहुत दूर गिरता है। अब रितेश बाहर जाता है। 5 मिनट के बाद रितेश जब घर पर आता है ना, तो सोफे पर बैठता है और वो सिगरेट पी रहा है। सिगरेट पीते पीते बोलता है, रितेश बाक्यश्री बाबा को बुलाओ। अब ऐसा धुआं उड़ा के बोलता है, हवा में धुआं उड़ रहा है। तो दिव्या की सास बोलती है, कौन बाक्यश्री बाबा? तो दिव्या बोलती है, अरे वही बाबा जिससे हम लोग ने ये जादू टोना करवाया था। बोले हाँ, वो मैं फोन लगाती हूँ। तो दिव्या की सास ना दिव्या की मम्मी को फोन करती है और फोन पर फटाफट बोलती है, हेलो बाक्यश्री बाबा जी को जल्दी जल्दी बुलाओ, जल्दी जल्दी इस घर पर लेकर आओ। तो उसकी दिव्या की मम्मी पूछती है कि क्या हुआ? अरे पूछो मत क्या हुआ, आपने क्या खिला दिया मेरे बेटे को, सबको दना दन धो रहा है, कितना मारा है हम सबको। अब रितेश उठता है, फोन लेता है और पूरे फोन को ना ऐसे अपने हाथ में तोड़ देता है, चकनाचूर पूरा फोन कर देता है और बोलता है गुस्से में, बोलता है बहुत मारा क्या मैंने सबको, बहुत मारा। अब सबको धोना स्टार्ट करता है, नौकर वगैरह जितने भी उसके हाथ में आते ना सबको धना धन वो धो रहा है। अब मारते मारते बोलता है, झूठ बोला ना, बहुत मारा था मैंने सबको, मार रहा है और बोला झूठ बोला ना, बोला तो बोला अब पड़ेगी सबको, धना धन सबको धो रहा है, मार रहा है, मार रहा है, कंटिन्यू मार रहा है, सब कोई इधर बिखर के पड़ा है, कोई उधर लोटपोट होके पड़ा है, कोई इधर पड़ा है। अब रितेश बोलता है, मेरे को खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो। अब जरे नौकर टूटे फूटे हाथ से ऐसा करते हुए सब लोग जा रहे हैं और फटाफट उसके लिए खाना बनाते हैं। इतने में थोड़े ही 3-4 घंटे में ना वो बाक्यश्री बाबा आता है। बाक्यश्री बाबा दूर से ही पहचान जाता है कि जो मैंने आत्मा इसके अंदर भेजी थी ना, वो एक खुखार आत्मा का रूप ले लेती है। तो वो बाबा क्या करता है, दूर से ही मंत्र पढ़ने स्टार्ट करता है। जैसे वो मंत्र पढ़ता है ना, तो बाक्यश्री बाबा के ऊपर ना क्या करता है, रितेश दूर से चप्पल फेंकता है, धाड़ देने मारता है, उसके मुंह पर सीधी चप्पल पड़ती है। अब वो भाग कर आता है बाक्यश्री बाबा के पास और धनाधन उसको मार रहा है और गला पकड़ लेता है, गला पकड़ के उसको दबा रहा है। ओ जो बाबा है रे कंटिन्यू अपना मंत्र पढ़ रहा है, बोला जो पढ़ना है पढ़ ले, अब मैं इस शरीर में हूं ना, मैं तेरे बस में नहीं हूं, अब मैं आजाद हूं, आजाद। बहुत टाइम तूने मुझे कैद करके रखा, अब मुझे आजादी चाहिए। तो उस बाबा का ना दम बहुत घुट रहा है, बोला हाँ 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 मैं देता हूँ आजादी देता हूँ, मैं तुझे आजाद कर दूंगा, बस तू मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अब पूरे आजू बाजू जितने भी कॉलोनी के लोग होते हैं ना, सब लोग जमा हो जाते हैं, सब लोग ये बातें सुन रहे होते हैं। वो सबको पता चल जाता है कि इस बाबा ने किसी आत्मा को कैद करके रखा है, और ये भी पता चल जाता है कि जो रितेश है ना वो गे है, सबको पता चल जाता है। अब वो जो बाबा है ना उस आत्मा को आजाद करता है, जैसे ही वो आजाद करता है ना, तो रितेश के शरीर में से ना एक काली सी परछाई धाड़ देने ऊपर करके उड़ती है। सब लोग उस परछाई को देखते हैं और रितेश ना फट से जमीन पर धाड़ देने गिर जाता है, जैसे ही परछाई उसके अंदर से जाती है। तो जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं फटाफट रितेश के पास आते हैं, उसके मुंह पर पानी वगैरह मारते हैं, उसको थोड़ा पानी पिलाते हैं, उसको पूछते तो ठीक है, वो बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ था, हाँ आप सभी लोग इतने क्यों यहाँ पर जमा हुए हैं? तो एक बंदा बोलता है हाँ ठीक है ये नॉर्मल है। अब ना सब लोग चप्पलों से बाबा को धो रहे हैं, धनाधन धोते हैं, बहुत मारते हैं और बोलते हैं कि तुझे शर्म नहीं है, तो एक आत्मा को कैद करके रखा हुआ है और ऐसे किसी के शरीर में छोड़ता है, कितना घटिया कितना गिरा हुआ इंसान है। तो वो बाबा बोलता मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने बोला था, ये लोग मेरे पास आए थे। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लोग अपने ही बंदे परिवार के लोग परिवार अपने ही बंदे पर जादू टूना करवा रहे हैं, सबको बहुत अजीब लगता है और वो बाबा जो होता है ना वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों ये जो किस्सा है ना मुझे इसी कॉलोनी की एक पूनम नाम की लड़की ने शेयर किया है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ये नहीं है कि हमें दूसरों को बदले में ये भी रिवर्स में मिलेगा कि हमारे साथ कोई अच्छा रहे, ये नहीं है दोस्तों, लेकिन आज नहीं तो कल हमें उसका फल जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ, तब तक के लिए शालोम शांति और सलाम।